अलक्सा मस्जिद पहुंचकर नमाजियों को जमकर कूटा। शुक्रवार को जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद लेबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर कर दिया एयर स्ट्राइक, सैकड़ों मिसाइल से किया हमला। जवाबी फायरिंग में इसराइल ने हमास के कई ठिकानों को किया ध्वस्त। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है, जहां मुस्लिम देश और इसराइल के बीच टकराहट जारी है, जंग जैसे हालात फिर से बन चुके हैं। यरूशलम की अलक्सा मस्जिद में बुधवार 5 अप्रैल और फिर 7 अप्रैल को इजरायली सेना द्वारा किए गए हमले के बाद अब टकराहट और जंग जैसे हालात बन चुके हैं। अब आतंकवादी समूह हमास ने इसराइल पर कई हमले किए। इजरायली सेना ने हमले का जवाब देते हुए दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया और शुक्रवार को हवाई हमले किए हैं। इजरायली पुलिस ने बुधवार को प्रार्थना के दौरान मस्जिद परिसर पर धावा बोल दिया है और यहां तक कि नमाजियों और फिलिस्तीनियों पर भी हमला कर दिया है। इस क्षेत्र में संघर्ष का खतरा पैदा हो गया है। ये हमला विशेष रूप से रमजान के महीने में पहले किए गए थे। वहीं अलक्सा मस्जिद में पुलिस की छापेमारी के बाद तनाव कम नहीं हुआ है। गाजा और लेबनान पर इजरायली हवाई हमले लेबनान से रॉकेट हमले के जवाब में आए हैं, जिसके लिए इजरायली अधिकारियों ने इस्लामी वादी समूह व हमास पर आरोप लगाया है कि वो गाजा पट्टी में गुरुवार को हमले किए। दरअसल कल एक बार फिर से शुक्रवार जुमे की नमाज थी और नमाज के दौरान जो है वो इजरायली पुलिस ने अलक्सा मस्जिद में घुसकर फिर से मारपीट की थी, जिस मारपीट के बाद कई मुस्लिम देशों ने पहले तो आलोचना की थी और कल एक साथ लेबनान और हमास ने इसराइल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला कर दिया। लगभग एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, बल्कि 60 से 70 मिसाइल हमास और लेबनान से आने शुरू हो गए थे, जिसके बाद आनन फानन में इसराइल की सेना भी एक्टिव हुई और इसराइल ने भी ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया था। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हमास पर हमला किया और रशीदिया शरणार्थी शिविर में स्थानीय लोगों ने 3 जोरदार विस्फोट की सूचना दी। इसके विपरीत लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकानी ने अपने क्षेत्र में किसी भी सैन्य आक्रमण की निंदा करते हुए बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। इस बीच आपको बता दें, लेबनान और हमास ने जहां रिटेलिएट इसराइल पे किया, वहीं इनडायरेक्टली तुर्की, सऊदी अरब, ईरान समेत कई देशों ने इसराइल पर सीधा हमला बोला। इसराइल पर उन्होंने कहा है कि इसराइल अगर अपनी एक्टिविटी में कमी नहीं लाता है और अलक्सा मस्जिद पर नमाजियों पर हमले जारी रखता है तो इसका परिणाम भुगतना होगा। आपको बता दें, लगातार विरोध जारी है। इस विरोध के बीच ये हमला कहीं ना कहीं सीधा सीधा मुसीबतें जो है वो खड़ी कर रहा है, अब उनकी मुसीबतें खड़ी कर रहा और ये हो रहा है कि आने वाले समय में हमला जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ सकता है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इसे आप कैसे देख रहे हैं। वह इसराइल भी लगातार हमले जारी कर रहा है, तो दोनों देशों के बीच मुस्लिम देशों का कूदना क्या सही? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।